Today, I will teach you social study. This is your social study book. Open chapter number 15, page number 90. Seasons around us. Mossum. Awesome. Season around us. I will explain you about the season and you will read along with me. You must have observed that all. मन्स डो नॉट रिमेन द सेम ड्यूरिंग सम मंथ डू यू फील वेरी कोल्ड एंड लाइक टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी और टी एंड वी अलन क्लोज क्या होता है कि साल के सारे महीने हमें एक जैसे नहीं लगते आप लोग खुद महसूस करते हैं कि कुछ महीने बहुत ठंडे होते हैं उसमें हम क्या पीना पसंद करते हैं हॉट कॉफ़ी और टी और क्या पहनते हैं Woollen clothes while during some months you feel very hot and you like to have cold drinks and ice creams and wear cotton clothes. Some months have heavy rainfall, these changing weather conditions give birth to different. सीजन्स अब क्या होता है कई मौसम में बहुत गर्मी होती है कई महीनों में तो हम क्या पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं आइसक्रीम खाते हैं फ़ैन कूलर के अंदर बैठते हैं कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और कुछ महीनों में बहुत तेज़ बरसात होती है और जो ये चेंज होता है वेदर इनकी जिनकी कंडीशंस चेंज होती हैं ये किसको जन्म देती हैं सीजन्स को सीजन्स रेफर टू ईच ऑफ द फोर पीरियड्स ऑफ द ईयर इन ईयर देर आर ट्वेल्व मंथ्स और इन मंथ्स के तीन सीजन्स होते हैं तो ये कितने कितने मंथ्स के होते हैं फोर फोर मंथ्स के देर आर थ्री मेन सीजन्स जिनमें से कौन कौन से होते हैं थ्री मेन सीजन होते हैं मेन सीजन कितने होते हैं देर आर थ्री मेन सीजन्स विंटर सीजन समर सीजन एंड मानसून और रेनी सीजन देर टू सब सीजन्स आर ऑटम एंड स्प्रिंग दो कौन से सीजन होते हैं सब सीजन उसमें क्या क्या होता है एक तो बसंत होता है और एक ऑटम एंड स्प्रिंग बसंत और टू सब सीजन होते हैं एक होता है औचम और दूसरा होता है स्प्रिंग ऑटम में क्या होता है पत्ते झड़ते हैं सारे पेड़ के सारे झड़ आता है जिसको हम क्या बोलते हैं औचम ये कब आता है जनरली फ़रवरी मार्च अप्रैल में और दूसरा होता है स्प्रिंग तो ये कब आता है कि जब हमारी गर्मी खत्म हो रही बारिश खत्म हो रही होती है और उसके बाद Uh, सर्दी आने वाली होती है उसमें जब हमारे बहुत सारे अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता ही है और इसमें फूल खिलते हैं पेड़ों पे खूब नए फ्रूट्स आते हैं पत्ते आते हैं वो वाला सीजन कौन सा कहलाता है स्प्रिंग सीजन इन विंटर सीजन द सन डज नॉट शाइन ब्राइटली द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर एट सम प्लेसिस देयर इज स्नो फॉल ज्यूरिंग विंटर सीजन वी फील कोल्ड वेन वी वी वुल एन क्लोज एंड लाइक टू ईट हॉट थिंग्स वी सेट नियर द फायर और इन द सन इन विंटर सीजन क्या होता है सन बहुत ब्राइट नहीं होता है मतलब बहुत तेज़ नहीं चमकता है दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है इज़ दैट क्लियर हमें कहाँ पर बैठना पसंद होता है आपके पास हमें बहुत सर्दी लगती है ठंडी हवा चलती है और हमें गर्म चीज़ें खाने का मन करता है इज दैट क्लियर और हम कहाँ बैठना पसंद करते हैं या तो आग के पास या धूप में सूरज की रोशनी में इन समर सीजन द सन शाइन्स ब्राइटली द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर द हॉट डे सॉरी द हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज ड्यूरिंग समर इज कोल्ड लू हॉट विंड क्या होता है बहुत तेज सूरज चमकता है दिन बहुत बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है और इस टाइम पे जो सूखी तेज हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं लू गर्म होती है हॉट होत होती है वो वी लाइक टू प्ले इन साइड आर हाउस और इन शेड वी ईट एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स थिंग्स वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स एंड ईट कोल्ड थिंग्स वी वी ए कॉटन क्लोथ्स टू कीप आर सेल्फ कूल वी यूज़ फ़ैन एयर कूलर्स और एयर कंडीशनर्स अब क्या होता है हम क्या यूज़ करते हैं कहाँ पे बैठना पसंद करते हैं या तो फैंस में या कूलर्स के पास या एयर कंडीशनर्स में हमें क्या खाना पसंद होता है या तो कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड थिंग्स जैसे आइसक्रीम मैंगोशेक इस तरीके की चीज़ें हमें खाना पसंद होता है और क्लोथ्स कौन से पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स खेलते कहाँ पर या तो घर में या शेड जहाँ होता है वहाँ पर बाहर नहीं खुलते इन मानसून सीजन वी डो नॉट सी द सन फॉर मैनी डेज जनरली डार्क क्लाउड्स रोल्ड अप एंड हाइड द सन द ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल वी यूज अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स इन रेनी सीजन द कूल ब्रीज मेक्स द वेदर प्लेजेंट क्या होता है मानसून बारिश का मौसम आता है इसमें क्या होता है कभी कभी हमें सूरज नहीं दिखाई देता क्यों क्योंकि वो बादलों से ढक जाता है ठीक है और जो घले घने काले बादल आते हैं वो बारिश लाते हैं बारिश में हम क्या यूज़ करते हैं अम्ब्रेलाज रेनकोट गामबूज और जो ठंडी हवाएं चलती है उससे मौसम बहुत सुहावना हो जाता है प्लेजेंट मीन सुहावना बिटवीन मानसून एंड विंटर देर इज ऑटम ड्यूरिंग विच ट्री शेड लीव्स अब मानसून और विंटर के बीच में जो मौसम होता है उस मौसम में क्या होता है पतझड़ आता है पत्तियाँ घटती है बिटवीन विंटर एंड समर देर इज स्प्रिंग जो गर्मी और सर्दी के सर्दी और गर्मी के बीच का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है स्प्रिंग इन विच ड्यूरिंग वेदर इज वेरी प्लेजेंट इस टाइम पे मौसम बहुत सुहावना होता है इट इज़ ना इधर टू हॉट नॉट टू कोल्ड इस टाइम पे ना तो बहुत सर्दी होती है ना बहुत गर्मी होती है देर आर फ्लावर्स अराउंड अस क्या होता है सब तरफ फूल खिले होते हैं सीजन अफेक्ट आर लाइफ वेरी मच दे की आते हैं की बदल जाती है और किसकी बदलती है खाने और पहनने की रहने की बदल जाती है ना कि कभी हम धूप में बैठना पसंद करते हैं कभी हम कूलर्स में रहना पसंद करते हैं The seasons affect our life. Is that clear? All of you, you have to read this chapter.